अब देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़ा सा ये नेक नेक वाले जो होते हैं, इससे बहुत तरह के पहन सकते, मतलब इसको कहीं भी घुमा फिरा के पहन लो, है ना। अच्छा देखो जी, तरीका ही है, मास्क हो गया, प्रॉपर मास्क बन गया। मतलब इसके तो मैंने बहुत तरीके देखे हैं, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे इसके। हाँ हाँ, बहुत सारे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ वुलन कैप्स भी है मेरे ख्याल से, वुलन सी आती है, प्रिंटर्स में सारा सामान अवेलेबल है, अभी तो जितना बचा हुआ है। प्लीज सारे सॉक्स अवेलेबल है, सारे सॉक्स अवेलेबल हैं भाई, जॉकी, ब्लैकबेरी, एडिडास सब। और ग्लव्स, ग्लव्स की क्वालिटी बताओ मुझको आप। ग्लव्स की क्वालिटी से भी देखिए, ये भी डिकैथलॉन के अवेलेबल है, ये डिकैथलॉन के 100 रुपीज वाले। अच्छा 100 रुपीज वाले, ये इन अंदर भी पहनते हैं ज्यादातर लोग बड़े ग्लव्स के, जैसे अगर आइस वाइस में जाते हैं तो ग्रिप के लिए। तो बात कर लेते हैं स्लीपिंग बैग की, स्लीपिंग बैग यहाँ पे लगे टंगे हुए हैं शो के तौर पर प्रॉपरली। प्लस 10 डिग्री से लेकर -15-25 डिग्री तक अवेलेबल है, डिटैचेबल इनर के साथ अवेलेबल है, जैसे कि ये स्लीपिंग बैग देखोगे। अच्छा 3-in-1 स्लीपिंग बैग, समझ गया। समर्स में आप इसको यूज कर सकते हो, नॉर्मल विंटर्स में इसको यूज करो, बहुत ज्यादा माइनस में जा रहा हो तो दोनों को अटैच करके ले जाओ। कॉस्टिंग क्या रहती है इनकी? कॉस्टिंग 2000 रुपए का है, 2000 रुपए का बैग है। स्टार्टिंग 1000 रुपीज से लेकर अराउंड 5000-6000 अच्छा। ट्राइपॉल का है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे ब्रांड से कोशिश लेके जाएं, एक सिर्फ क्लेम ही नहीं करना, ट्राई एंड टेस्ट करके इसको यूज करना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के स्लीव बैग लेके आए, क्योंकि यही आपको ठंड से बचाएगा। देखो हम बैठे हैं वैसे हल्द्वानी में बैठे हैं, तो हल्द्वानी के हिसाब से हम छोटा मोटा लोकल आइटम लाते, वो भी बिक ही जाता है ना, सस्ता लाते जल्दी बिकता, क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर लोग सस्ता आइटम खरीदने की कोशिश करते हैं। तो भैया ने इसके लिए एक सिंपल फैसिलिटी दी है, आप अच्छा सामान यूज करो, रेंट पे ले जाओ, है कि नहीं? बिल्कुल सर, आप अच्छा सामान यूज करो, आप रेंट पे ले जाओ, उससे अच्छी फैसिलिटी कोई हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। ये 0 डिग्री हमारा खुद का है। अच्छा ये 0 डिग्री है, ये अच्छा आपका अपना ब्रांड भी है? सर हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो ये हमारा ब्रांड पगडंडी लाइफ ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड है। यस सर, चलो बहुत बढ़िया। एक और चीज मालूम चली हमको, और ये स्लिम बैग है 0 डिग्री का, ये सर ब्लैंकेट भी यूज करते हैं, पूरा खुल जाता है, इसे पूरा फ्लैट हो जाता है, प्लस ये है, प्लस ये है सर, आती है इन्फ्लेटर मैट। अच्छा हां, ये देखा होगा मैट बहुत बड़ी यूज करते हो, हां है ना, अगर आपको अपना वेट थोड़ा कम करना है और सामान बहुत कम जगह में डालना है, तो ये इन्फ्लेटर में, ये आप इतनी बड़ी मैट देख रहे हो ना, इससे फिक्री है। अच्छा जी तो इसमें क्या हवा भरनी पड़ती है? हवा भर जाती है। अच्छा हवा कैसे भरते हैं? मुंह से भर सकते हो, पंप से भर सकते हो, पंप भी आते हैं इसके, मुंह से भर सकते हैं, बहुत इजी, ज्यादा नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी चीज है। वहीं पिलो भी देख रहा हूँ मैं साथ में, हवा वाले पिलो भी है, नेक रेस्ट भी है, सही है। बाकी और भी है इस तरह के इन्फ्लेटर वाले मैट भी है। अच्छा, ये जो कार में लोग लगा लेते हैं, हाँ, बैक सीट पे, इसके लिए आपको पंप ही चाहिए पड़ेगा। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं हो सकते। ये थोड़े हैवी होते हैं, ये थोड़ा हैवी होते हैं, हाँ कार में ये लोग लगा लेते हैं बैक सीट पे, हाँ। सीधी करके लगा लो तो ये सही रहता है कार। आजकल सबका इन्फ्लेटर वाले पंप तो होते हैं सब, हाँ हाँ हाँ, गाड़ी में होता ही है वो। अब भैया बढ़ गए हैं रक्सैक की तरफ, देखो रक्सैक देखते हैं हम। फिर आती है रक्सैक सी बारी, तो रक्सैक हमारे पास 10 डिग्री 10 लीटर से लेकर 95 लीटर तक अवेलेबल है, कहीं कभी 105 लीटर भी अवेलेबल आता है, ठीक है, 105 लीटर भी आता है, हाँ। अच्छा 105-110 तक लीटर तक अवेलेबल है, जिसमें आगे डिटैचेबल वाली होती है। और कंपनी का नाम भी देख लो भाई, मैं जो पसंद करता हूँ वो ये है, ट्राइपोल का ही है सारा सारा सामान, ट्राइपोल ब्रांड का है सारे बैग हमारे पास, ट्राइपोल और डिकैथलॉन दो ही ब्रांड के अवेलेबल है। ये देख लो 4 क्लास का है, ये अराउंड 105 लीटर है, ये भी आपको रेंट पे मिल जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। तो सारे रक्सैक अवेलेबल है बता दिया भैया ने। कॉस्टिंग कब से कितने तक है? देखो 10 लीटर का बैग 350 रुपए स्टार्टिंग है, 300 रुपए से लेकर 3500-4000 की रेंज के रक्सैक अवेलेबल है। अच्छा रेंज बताती है ना,
तो एक जैकेट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी टंगी हुई है और ये आपने भी पहनी हुई है। पहनी है, इसमें ये कलर है, ये कलर है, एक और कलर इसमें अवेलेबल ग्रे कलर का। और मैं आपको बता दूँ इसको मतलब सर्दी वर्दी वाली जैकेट मत समझो, नॉर्मल ये है मल्टी यूटिलिटी जैकेट, ठीक है। फिशरमैन जैकेट भी बोलते हैं। हाँ, इसको फिशरमैन जैकेट भी बोलते हैं। इसमें आप 50 प्रकार की चीजें लगा सकते हो, टांग सकते हो, रख सकते हो, मतलब इसको पहन के बहुत सारी चीजें आप कैरी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, इसका फायदा ये है। आपने कैमरामैन इसको पहन दिया, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं उनको पहना देता हूं। और उसके साथ साथ जैकेट खत्म होती है तो ये क्या है, ये आप देख रहे हो, क्या होगा बताओ, ये रेनकोट टाइप का लग रहा है मुझे, रेनकोट टाइप का लग रहा है। ये है एक ट्रैक पैंट। अच्छा, इतना छोटा, इतने छोटी पैकिंग में। इसको बोलते हैं अल्ट्रा लाइट पॉकेट ट्रैक पैंट। स्ट्रेचेबल भी होता है ये, सब होता है। इसमें नीचे से आपको इलास्टिक भी दे रखा, पतला भी कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, फैला भी सकते हो। हाँ, इसमें पॉकेट देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। अच्छा, ये बहुत अल्ट्राइट क्विक ड्राई होते, जल्दी सूखते हैं, गीले होते हो। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा जो भी ट्रैकिंग करता है प्लीज जींस मत करना, बहुत इचिंग होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, ट्रैक पैंट में ट्रैकिंग करें, ठीक है। और ट्रैक पैंट की बात करते हो, ट्रैक पैंट की पूरी यहाँ लाइन लगी हुई है, तो अलग अलग प्रकार के आपको ट्रैक पैंट्स यहाँ मिल जाएंगे, सारे फ्रेश अराइवल्स हैं। इस साल के आर्टिकल्स ये आने वाले वाले। कन्वर्टेबल हाफ भी बन जाएगा। अच्छा, चेन लगी होगी इसमें। हाँ, हाफ बन जाएगा। ये सारे वॉकआउट वेयर ब्रांड के होने वाले हैं ट्रैक पैंट्स। ये अच्छा लग रहा है, काफी डिजाइन है सर, मोर देन 10 आर्टिकल देख रहे हो, 10 और खुलने वाले हैं अभी। एक से एक डिजाइन है भाई, एक से एक डिजाइन, सब टाइप के अवेलेबल है, सब टाइप के, बहुत डिजाइन है सर, प्लेन कलर, डुअल कलर सारे अवेलेबल। एक मेरे को ना इसमें कैमोफ्लेज का चाहिए, कैमोफ्लेज का आप मंगा सकते हो? बिल्कुल आएगा सर, क्योंकि कैमोफ्लेज जंगल में बहुत काम आता है। बिल्कुल आएगा, लिखा भी हुआ है भैया, देखो फ्रेश अराइवल, तो सारे फ्रेश अराइवल है भाई, ये सारे नए डिजाइन है, कार्गोज आ गए आप, बहुत बढ़िया। ये क्या है, कंफर्टेबल होते हैं, मतलब एयर ब्रीदिंग होते हैं प्रॉपर, लीजिए वाले, हाँ ये प्रॉपर एयर ब्रीदिंग होते हैं, जो जो ये ट्रैकिंग में यूज करते हैं ना, तो उनको क्या है, गर्मी वर्मी कुछ नहीं लगेगी, आप जितना मर्जी चल लो आप टायर्ड महसूस नहीं करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्ट जब होता है ना, सफोकेशन टाइप का होता है पाँव में, पाँव भी ब्रीथ कर, मतलब पूरी बॉडी ब्रीथ करती है एक्चुअल में, लेकिन जब पाँव में अगर प्रॉपर एयर लगती रहती है तो आप थकते कम हो, इसका फायदा ये होता है, और जल्दी सूखते हैं, गीले हो गए, बारिश आ गई, आपका वेट ऐसे बढ़ जाना है। हाँ, तो उसका फायदा ये है कि जल्दी सूख जाते हैं कपड़े, इनका वेट जल्दी होता है। ट्रैक पाकि कार्गो से बहुत स्टॉक है, इतना पूरा कार्गो स्टॉक रखा। अच्छा, ये सारे कार्गो का स्टॉक रखा हुआ आपने? कार्गो का स्टॉक रखा हुआ, कार्गो का स्टॉक है, टॉवल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो रोप दिखाई थी, मल्टी रोप यहाँ पे भी है, रोप्स भी है, यहाँ पर भी है, आगे अंडरगार्मेंट्स। ये और ये क्या है, छोटे छोटे ये जैकेट्स हैं। अच्छा, इतनी सी जैकेट, अरे गजब, मतलब ये जैकेट इतने में पैक हो जाएगी? बिल्कुल सर। कैसे? इसका एक पाउच आता है, ये पाउच है। अच्छा जी, इस पाउच में ये वाली जैकेट इस पाउच में पैक हुई है। बहुत बढ़िया, मेन चीज तो दिक्कत यही होती है कि जैकेट वगैरह हम हमारा जो रक्सैक वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसमें जैकेट पूरी जगह खा जाता है। हाँ, तो ये एक फायदेमंद सौदा हो गया भाई अपने लिए। अच्छा, इसमें क्या? हाँ, देख रहा हूँ मैं। तो ये हो गया ऐसे कि ये जैकेट है। हाँ, ठीक है, इसमें लिखा होगा पैकेज, है ना, ये लिखा है पैकेबल। अच्छा, इसी में पैक हो जाएगी ये, एक पॉकेट के अंदर? एक पॉकेट के अंदर, भैया जादू हो रहा है भैया यहाँ पे। आप भैया लास्ट ऑफर, लास्ट में कुछ सरप्राइज ऑफर टाइप का भैया ने कुछ बोल रखा है, तो वेट करना, पूरा व्लॉग देखना, क्योंकि ऐसा व्लॉग बार बार देखने को नहीं मिलेगा, और ख़ास तौर पे उत्तराखंड में रहने वालों के लिए इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं सिर्फ हल्द्वानी के अंदर। ये देखो भाई, ये हो गया जादू, तो भैया ने हमें दिखाया जादू, बहुत ही बढ़िया, 2 मिनट के अंदर पैक हो गई, कुछ भी जगह नहीं घेरेगा वेट, कुछ भी जगह नहीं घेरी, खत्म हो गई। हाँ, अराउंड 450 के अराउंड वेट है। मुझे ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, ये मैंने देखा नहीं था इससे पहले। ये सारे विंचेटर्स आ गए। अच्छा, ये सारे विंचेटर हो गए, ये सारे विंचेटर, ये तो वैसे भी जगह कम घेरते हैं। इसकी जगह घेर लेगा, ऐसे ही पैक करते हो ना नॉर्मली, ये ऐसे ही हो जाएगा। हाँ,
ये वाटरप्रूफ भी रहते हैं? वाटर रेपेलेंट। अच्छा, रेपेलेंट होते हैं। सर वाटरप्रूफ एक मिथ है, क्लेम करते वाटरप्रूफ वाटरप्रूफ सिचुएशन में जाओगे भीगी जाता है, भीगी जाता है। अब बात करते हैं हम शूज की तरफ, और शूज से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं उसकी बात करते हैं हम। तो हमारे पास दो ब्रांड के शूज अवेलेबल है, एक डेकैथलॉन, एक हमटो। अच्छा, डेकैथलॉन जैसे आप मोस्ट सेलेबल आइटम्स है इसका। फुल्ली वेट कितना है इसका? वेट लेस देन अराउंड 1 kg के, दोनों को मिला के 1 kg होगा। दोनों को मिला के? दोनों को मिला के। एक बार दिखाने जा रहा, हल्का है मतलब नॉर्मल वैसे है, लेकिन ये ट्रैकिंग में जो होती है इसकी ग्रिप जो होती है ना वो मेन काम आती है। और ये देखो ये गिट्टियां काम आती हैं, क्योंकि मैंने खुद फील किया है कई जगहों पे अब मेरे जूते चलते हुए। इससे भी हल्का देखो, और ये देखो ये इससे भी हल्का है, लग भारी रहा है लेकिन है बहुत हल्का। इसकी गिट्टियां देखो भाई, ये काम आती है आपके ट्रैकिंग। शू प्रोटेक्टर दिया होगा आगे, ये दबेगा ही नहीं। अच्छा, ये लो भाई एक और फायदे वाली चीज, ये फुल्ली वाटरप्रूफ है। मैं गया था श्रीखंड महादेव स्पोर्ट्स शूज़ पहन के, मेरे को बताया नहीं था लोगों ने कि क्या क्या पहन के जाना है, क्या लेके जाना है। मैंने एक बैग में कपड़े खूब सारे भर लिए, खूब सारा लगेज ले लिया, और श्रीखंड माड़े के ट्रैक पर चले गए स्पोर्ट्स शूज़ पहन के खाली, बिना गिट्टी वाले। वापसी में मेरे दोनों पाँव के नाखून टूट चुके थे भाई, और वो जूते मेरे को फेंकने पड़ गए थे। और बैग मैंने लास्ट वापसी में मेरे को एक पिट्ठू हायर करना पड़ा था, वहाँ से पिट्ठू हायर किया, उनको पैसे दिए, वो बैग लेके आया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था वो ट्रैक हमारे लिए। जिसने श्रीखंड महादेव का ट्रैक किया वो जानता होगा भाई, मेरे ख्याल से श्रीखंड महादेव जैसा ट्रैक शायद एक दो ही है इंडिया के अंदर जो इतने टफ है, इस लेवल पे टफ है विदाउट फैसिलिटी। फैसिलिटी है सिर्फ भंडारे की। तो बात करते हैं शूज की। शूज सारे नॉर्मल क्वालिटी के, मतलब रनिंग शूज टाइप में, लो एंकल्स, ठीक है, मिड एंकल हो गया, एंकल तो दिखाई, हाई एंकल दिखा दिया आपने मेरे को। सबकी ग्रिप देखना, ग्रिप डिपेंड करते हैं ट्रैक। चलो अभी ये ग्रिप तो हमारी अच्छी बात हो गई, लेकिन अगर हम बर्फ में, तो आपके लिए उसका भी कोई सोल्यूशन है? अच्छा ये है भैया स्नो चैन, देखो या स्नो चैन शूज वाली स्नो चैन, माइक्रोस्पाइक क्रैम्पॉन्स बोलते हैं इनको। हाँ क्रैम्पॉन्स कहते हैं। तो शूज के लिए, अच्छा बर्फ में हम जाते हैं तो फिर वो हम वो भी यूज करते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, गेटर्स। हाँ आपके शिन में यूज होता है ये? हाँ तो ये आपको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करता है, जब आपका पाँव पूरा डूब रहा होता है इसमें तब ये आपको प्रोटेक्ट करता है भाई, पूरा वाटरप्रूफ होता है, आपको बचाता है प्रॉपरली। अब हम बढ़ते हैं छोटे मोटे कुछ आइटम्स की तरफ, जैसे कि इन्होंने लिखा है मेरे को सोलर लाइट। ये सोलर लाइट है आपकी, सोलर से भी चलती है, चार्जिंग से भी चलती है ना? हम चार्ज कर रहे हैं इसको, आप सोलर से चार्ज कर सकते हो। कितना बैकअप रहता है इसका? 4 to 5 hours। 4 to 5 hours ठीक है, कैंपिंग के लिए इतना इनफ होता है। छोटी वाली लाइट कैसी है? अगर आप अच्छा इसमें लाइट भी है अलग अलग? अगर आप ये देखो फुल लेंथ है, वाइट, ये होगी वार्म वाइट। अच्छा फिर दोनों मिक्स हो गई, फिर ये डिम हो गई, इस पे तो आपको 8 घंटे भी दे देगा ये। अच्छा अच्छा डिम वाले में है? डिम वाले मतलब एक टेंट के अंदर हम बैठे हैं तो हम चला सकते हैं इसको लंबी देर तक। इसमें इतने फंक्शन है, प्लस सोलर भी है, पावर भी काम करता है। अच्छा छोटी वाली भी है, छोटी वाली इसकी लाइट अच्छी खासी है, अच्छी खासी लाइट है इसकी भाई। आपने तो करना है कमेंट, ठीक है, कमेंट करेंगे हम आपको मेन चीज़ों के प्रैक्टिकल दिखा देंगे, जो बेसिक नेसेसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब एक ऐसा वीडियो बनाएंगे मोस्ट एसेंशियल गैजेट्स इन द इन ट्रैकिंग एंड कैंपिंग, है ना, जो जो आपको यूज होने वाला वो सामान हम लेके चलेंगे, आपको प्रॉपरली एक ट्रैकिंग का वीडियो बना के देंगे। ऐसा नहीं खाली सामान लेके हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं, हम ट्रैकिंग कैंपिंग करेंगे प्रॉपर, उसको यूज करेंगे और वहां पे हम कैंपिंग करेंगे, तभी होगा आप कमेंट करेंगे। हाँ वो तब कमेंट के ऊपर ही होगा। ये सारे एक्सेसरीज हैं, किचन है बहुत सारी टाइप की है, माइक भी है, दोनों है। ये वायरलेस माइक जो है इसके साथ, मतलब इसका है कोई रिजल्ट आपको लगता है? मेरे जितने भी इंस्टाग्राम यूट्यूब में वीडियो देखोगे इसी को बैंक बनाए, इंस्टाग्राम हैंडल भी शेयर कर दो फिर आप, पगडंडी लाइफ मेरे ख्याल से ही होगा। हाँ इसी नाम से सर, पगडंडी लाइफ नाम से मिल जाएगा भाई आपको, आपको क्वालिटी चेक करनी सारी वीडियो इसको बैंक बनाता हूं। अच्छा अच्छा तो अब हम आ गए हैं लाइट्स वाले सेक्शन की तरफ प्रॉपरली। तो ये देखो आपको ये टेंट वाला लैंप मिल गया, ये टेंट वाला यूएसबी बल्ब मिल गया, खराब नहीं होता सर, मारो उसको कुछ करो आप, कुछ भी कर दो, और चार्जेबल है, चार्जेबल है। बहुत बढ़िया, चार्ज करना बस हमने, है ना, बहुत ही बढ़िया। सी टाइप है क्या? हाँ सी टाइप है, ये अच्छा प्रोडक्ट है। कॉस्टिंग बता दो इसकी,
ये तो बहुत अच्छी है। टू फिफ्टी रुपीज बस, और अच्छी खासी इसकी वो भी है, लाइफ भी एक तरह से, क्योंकि मतलब टूटना नहीं, खराब नहीं होना। और ये वाला, ये वाला है 550 रुपीस, 550 रुपए का। ये भी वैसे ही है, ये भी वैसी है, इसमें सेल लगता है नीचे से। अच्छा, सेल लगता है, ठीक है। ये रिचार्जेबल सेल है, सोलर पैनल भी, सोलर पैनल भी है, ठीक हो गया। लाइट तो बहुत टाइप की है भैया यहाँ पे, हेडलैम्प्स हो गए देखो, ये हेडलैम्प्स हो गए आपके, आपको स्ट्रिप वाला दिखाया था, स्ट्रिप वाला हेडलैम्प हो गया। बहुत तरह के हेडलैम्प सर, बहुत तरह के हेडलैम्प है। वो आपके सेंसर वाला है भी है क्या? बिल्कुल है सर, हाँ सेंसर वाला लैंप है। ₹300, 300 रुपए का बस, बहुत बढ़िया। 300 छोड़ो, 250 में ले जाओ, 250 ले जाओ। अरे भैया यहाँ तो भैया डिस्काउंट पे डिस्काउंट चल रहे हैं, ठीक है। कैंपिंग लाइट बहुत है। तो भैया आगे आने वाली हमारी हॉन्टेड शूट्स भी हमारे इस कैंपिंग के थ्रू ही होने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें गैजेट्स हमारे पास में होंगे तो हम हॉन्टेड शूट भी बहुत अच्छे लेवल पर ले जाएंगे। आपने बस कमेंट करना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, हम उसी हिसाब से आपके लिए कैंपिंग वीडियोस एड हॉन्टेड लोकेशन भी ला सकते हैं और वैसे भी ला सकते हैं, जैसा बोलोगे भाई, क्योंकि मैं शुरू हो गया तो मैं रुकूंगा नहीं ना भाई, मैं तो आया हल्द्वानी इसलिए हूँ। ये आपका कौन सा बल्ब है? ये इन्वर्टर बल्ब है। अच्छा, ये भी चार्जेबल है? चार्ज कैसे होगा? नॉर्मली जब बल्ब लगा दो, होल्डर पे लगा दो, होल्डर पे लगा, मतलब कहीं गए होल्डर पे लगा के, और चलेगा कितने देर? 4 आवर चल जाएगा। ये भी ठीक है। लाइट सर बहुत तरह की, इतनी लाइट दिखाऊंगा बहुत लंबी, थक जाएंगे भाई लाइट देखते देखते। बस आप ये शॉर्ट्स देखो, इस शॉर्ट के अंदर देखो कितनी कितनी लाइटें हैं यहाँ पे, कई प्रकार की लाइटें हैं, कई प्रकार की। ये कैसी लाइटें हैं? ये लाइट है आपके सेल्फी लेने। अच्छा, सेल्फी लेने के लिए लाइट है, ये सेल्फी लाइट होगी भाई, फोन के ऊपर लग जाती है ऐसे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया, वाओ, फीमेल सारी कमेंट कर रहे हैं, सही बात है। लेकिन हम जैसे कैंपिंग वीडियो बना रहे हैं, टेंट के अंदर बना रहे हैं, तब भी काम आ जाएगी, है ना, वहाँ भी काम आएगी। काम तो कैसे कर, काम तो वही है, फोन क्या क्या लगाना है आपको, हाँ ठीक है, सारे फोन में लग जाएगा, क्योंकि टेंट के अंदर आप देखो, एक बंदा फ्लैश लाइट कैरी कर रहा है, एक बंदा सोलो कैंपिंग कर रहा है, उसमें फ्लैश लाइट कैरी करे, सब चीज करे, इससे बेटर है ये लगा के आराम से अपना शूट कर लेगा टेंट के अंदर का, इतना एरिया कवर कर लेगी, है ना। आपको लाइट दिखाई थी, सोलर वाली लाइट है, ये वाली है, ठीक है। इसमें सोलर पैनल भी आता है, दो बल्ब भी आते हैं इसका, दो बल्ब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे बल्ब आएंगे, सोलर पैनल आएगा, तो ये वायर से कनेक्ट हो जाते हैं और टांग लो, सही है। ये लैंप आपने देख ही लिया है, और गोप्रो के एक्सेसरीज आ गई। अच्छा, गोप्रो की एक्सेसरीज भी सारी है, मतलब ऐसा नहीं है आप कैंपिंग करने जा रहे हो तो आपका ख्याल नहीं रखा जाएगा, आपके लिए ट्राईपोड भी अवेलेबल है, आपके लिए गोप्रो की एसेसरीज भी अवेलेबल है, गिम्बल भी अवेलेबल है। ट्राईपोड मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये देखो, ये छोटा ट्राईपोड है, ये उससे छोटा ट्राईपोड है, उससे छोटा ट्राईपोड है, सबसे बड़ा ट्राईपोड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको रेंट पे भी मिलेंगी और आप खरीद भी सकते हो। देखिए आपके हेलमेट माउंट्स हो गए, हेलमेट माउंट्स हो गए, ये आपके मोबाइल होल्डर्स हो गए, हाँ एक ही में दो दोनों तरह का यूज कर सकते हो, लैंडस्केप करना लैंडस्केप कर लो, वर्टिकल करना, हाँ हाँ ये तो हमने यूज किया हुआ है। GoPro के जो छोटे 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 चीजें आती है वो कहीं मिलती नहीं। अच्छा, हाँ ये नहीं मिलते हैं सारा, ये लेना बड़ा मुश्किल होता है, ये एक एक आइटम लेना मंगाना बहुत मुश्किल होता है, ये नहीं मिल पाता, पूरा पैकेट ही लेना पड़ता है, तो मिलता नहीं आसानी से, कुछ अवेलेबल। और जैसे आपको नॉर्मल टॉर्च चाहिए तो नॉर्मल टॉर्च भी अवेलेबल यहाँ पे है, जैसे आप ये देख सकते हो LED टॉर्च चाहिए, और ये छोटी पॉकेट टॉर्च जो दिखाते हैं अक्सर लोग वीडियोस में, है ना, ये आपके छोटे एरियाज के लिए मतलब काम किए हैं। और ये भी, हाँ ये भी है, देखते हैं फ्लेज में भी है, डिजाइन्स भी हैं भैया, कलर भी चूज कर सकते हो, बढ़िया, वाह भाई, ये सोलर लाइट हो गई है। अच्छा, अलग अलग भी हैं इसमें, एक मोड, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस रूम को पूरा लाइट देती है, रात को पूरा ब्राइटनेस है। अगर हम बात कर रहे हैं कैंपिंग की, तो कोई बंदा बाइक से ट्रैवल कर रहा है, कोई बंदा वैसे ट्रैवल कर रहा है लाइक जैसे कि अपना पैदल ट्रैवल कर रहा है, कोई ज्यादातर राइडर्स ही होते हैं कैंपिंग करने वाले, एक पॉइंट पे जाएंगे बाइक से, उसका ट्रैकिंग करेंगे, हाँ, तो राइडर्स के भी आपको पूरे के पूरे गियर मिल जाएंगे। तो यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से आते हैं हमारे ट्राईपोड, माइक, अच्छा ये स्टूडियो माइक भी है आपके पास में, स्टूडियो माइक्स भी अवेलेबल है,
बोया के माइक भी अवेलेबल है, वायर्ड माइक जो होते हैं वो भी अवेलेबल है, और ये आपके पास में ट्राइपॉड आ गए। और अब बात करते हैं राइडिंग गियर्स की, तो राइडिंग गियर्स भी अवेलेबल है। कैंपिंग कर रहे हो तो भाई राइडिंग गियर्स के बहुत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे मत निकलो, सेफ्टी को अपनी हर्ट मत करो। तो जैकेट देख लो, जैकेट की आप कंपनी बताओ, क्योंकि लोग तो जैकेट देखते ही हैं, कंपनी पे बिलीव करते हैं। कंपनी है हमारे पास लोन रेंजर, हाँ, आरआर गियर, और जल्दी आपको एक्सोर ब्रांड की भी अवेलेबल होती है। अच्छा, और कॉस्टिंग कितनी रहती है रेंज आपकी? कॉस्टिंग रहती है 3800 रुपीस से स्टार्टिंग है। 3800 से स्टार्ट है, ये भी रेंट पे मिल जाती है क्या? ये अभी अभी अभी, अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। राइडिंग गियर्स, राइडिंग गियर्स में ये अवेलेबल है, लेग गार्ड्स और है ये अवेलेबल है। अच्छा, नी पैड वगैरह अवेलेबल है। और यहाँ पे भी कुछ ग्लव्स देख रहा हूँ मैं, ये ग्लव्स राइडिंग वाले है ना? हाँ, राइडिंग वाले नॉर्मल है, और राइडिंग ग्लव्स वहाँ पे बहुत अवेलेबल है ऑप्शन, ये तो नॉर्मल है। अच्छा, ये नॉर्मल ग्लव्स है, नॉर्मल ग्लव्स है, लेकिन राइडिंग वाले भी वाले हैं, नॉर्मल है, हाँ। है ना, मतलब इसमें आपके पास बहुत सारी क्वालिटी है, सारी क्वालिटी यहाँ देख लो। ये देखो, अब आप साइकिलिस्ट हो तो आपको साइकिलिस्ट के साथ हेलमेट भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बाइक पे कुछ चीज लगा रहे हो तो आपको उसके अटैचमेंट्स भी मिल जाएंगे, जैसे भैया ने बताया, भैया का ब्रांड है, तो ये देखो पगडंडी लाइफ से 0 डिग्री बैग इन्होंने लिखा है, मेड इन इंडिया, सब चीजें मेंशन करी हुई हैं। और ये आपकी वो क्या कहते हैं इसको, बंजी गॉड्स, ये हर जगह काम आने वाली है भाई, कार हो बाइक हो कुछ भी हो, हर जगह काम आने वाली है। अब बाइक चला रहे हो आपको साथ में चाहिए होल्डर्स, चाहिए मोबाइल होल्डर, चाहिए चार्जिंग के साथ में, तो ये चार्जिंग के साथ में मेरे ख्याल से विदाउट चार्जर, ये लगा विदाउट चार्जर भी है, ठीक है। पंचर टायर पंचर की किट भी है, और ये क्या है, चेन लूप चेन भी है, ये इन्फ्लेटर भी है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक आइटम छूट गया है, जैसे कि आपका ये मैग्नेटिक टैंक बैग्स हो गए, सैडल बैग्स हो गए, सारे बैग्स अवेलेबल है शादी के लिए। ये क्या है, शादी के लिए गन है। अच्छा, ये वो वाली गन है, स्पार्कल वाली। अच्छा, स्पार्कल वाली गन है, मतलब वैरायटी है भाई आइटम अपने पास में, ठीक है। तो बात करते हैं कैंप की, अगर कैंपिंग में जा रहे हो तो आपको एक बढ़िया कैंपिंग वाला बंदा लगना चाहिए। तो देखो भैया बन गए, जैकेट वगैरह पहन गए, टोपी वोपी पहन गए, बढ़िया तैयार हो चुके कैंपिंग के लिए। सारी कैब्स अवेलेबल है, और मैं स्टॉक की बात कर रहा था, इन्होंने दुकान को ही गोदाम बना रखा है, तो मैं दिखा दूं ऊपर, देखो ये ऊपर पूरा का पूरा इन्होंने स्टॉक भरा हुआ है सब चीजों का, ठीक है। ये छोटी सी जगह में भी इन्होंने बहुत ज्यादा स्टॉक भरा हुआ है, लेकिन गोदाम इनका बहुत बड़ा है, वहां पे आपको सारे सामान मिल जाएंगे। लेडीज कैप भी है, ये हाँ, जेंट्स भी पहन सकते हैं, सब पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के आइटम्स अवेलेबल है। तो भैया ये इतने सारे दिखा दिए, उस साइड से हमने दिखाए थे, तो इस साइड से यहाँ जैकेट्स हैं, यहाँ ये शॉर्ट्स हैं, ये साइकिलिंग शॉर्ट्स हैं, साइकिलिंग शॉर्ट्स में पैडेड होता है, साइकिलिंग जर्सीज हैं, साइकिलिंग जर्सीज भी हैं भाई, बढ़िया। और यहाँ पे हमारे पास फिर से ट्रैकिंग पैंट्स हैं, मतलब बहुत सारी वैरायटी है हर चीज की, किसी चीज की कम वैरायटी नहीं है, और कहोगे तो अवेलेबल हो जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। अब वीडियो का लगभग मेरे ख्याल से एंड आ गया, या कुछ और रह गया है? ऑलमोस्ट तो हमारा सब कुछ कवर हो गया, टार्प कवर हो गया है, हाइकिंग बॉटल्स ऊपर रखी है, मैंने दिखाई नहीं थी, दिखा देता हूँ आपको मैं, हाइकिंग बॉटल्स भी आपके पास अवेलेबल है, हाइकिंग बैग है तो हाइकिंग बॉटल्स भी हैं, और ये आपको यहाँ पे हेडफोन्स भी अवेलेबल है, हैं? तो ये ऑफर है आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, या आपके वीडियो देखने को आता है तो उनके लिए फ्लैट 10% डिस्काउंट है, एक्सेप्ट डिकैथलॉन के आइटम्स में, बाकी सब में फ्लैट 10% डिस्काउंट है। और भैया जाके बार्गेनिंग भी कर लेना आप, ठीक है, सिर्फ आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, और जो इस जो आपके रेफरेंस लेके आएंगे तो वो सिर्फ उनके लिए। तो भैया आपके सामने ही है सब चीजें बता दी हैं, दिखा दी हैं, आपको मेंशन कर दी हैं, डिस्काउंट आपको बता दिया है, फिलहाल ऑलमोस्ट ब्लॉग कंप्लीट हो चुका है। छोटी मोटी एक्सेसरीज मैंने नहीं दिखाई हैं, जैसे कि ये ऐसे वाले पाउच बैग्स भी हैं, और ये कुछ इस टाइप के आइटम्स भी हैं यहाँ पे, कीचेन्स वगैरह, और ये लॉक वॉक भी हैं, ये सारे फ्लैग्स हो गए, ये सारे फ्लैग्स हो गए, जब आप जाओगे तो आपको ये लगा के चलते हैं, तो एक लुक एंड फील आता है आपका अच्छा खासा। वाइप्स भी हैं, ठीक है, बुटेन सिलेंडर्स के इनके पास में अलग अलग टाइप्स भी हैं, मैट हो गई सारी सब, और ये कैंपिंग वाले मैट्स ये दिखाई नहीं थे, एक बार निकाल दो इसको, ये बंदों ने देखे नहीं है अभी तक, क्योंकि ये मैं बहुत ब्लॉगर्स के उसमें देख चुका हूँ, बहुत सारे कैंपिंग वाले बंदे लाइट वेट होते हैं, मेन बात ये है, लाइट वेट है, टेंट के अंदर आराम से बिछाओ और लेट जाओ, क्यों, इसमें हनीकॉम वाला स्टाइल यूज हुआ है, आपके पेट आराम से रहेगा, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
तो मतलब मैं कोशिश करूंगा ना पूरा बनाने की, तो शायद पूरा ना कवर कर पाऊँ, आपको खुद आना पड़ेगा इस जगह पे, तब जाके आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि जितना सामान देखोगे उतना सामान कम पड़ जाएगा। तो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं मेंशन, कुछ क्वालिटीज़ नहीं हो पाती हैं मेंशन। जैसे भैया एक और निकाल, ये थोड़ा हाई अल्टीट्यूड के हिसाब से भी हो गया है, मोटी भी है, हल्की भी है, इसे कवर भी देने का एक। अच्छा डबल में भी आते होंगे क्या? डबल में नहीं आते, डबल में आते दो ले लो, डबल में आती है हम उसको आप काट दे सकते, पर उसको कवर नहीं मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो पोल की आपको इसी बारे, ट्रैकिंग स्टिक की भी आपको क्वालिटी मालूम चल गई, देखो डी अटैचेबल है भाई। मल्टी यूज वाली स्टिक है आपकी। तो ये आपका मैट है जिस पर आप सो सकते हो कैंपिंग में कंफर्टेबली। मैं तो क्या करता हूँ भाई, डबल वाला स्लीपिंग बैग ले रखा है, वो नीचे से बिछ जाता है ऊपर से बिछ जाता है, तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। मैंने अभी तक तो मैटिंग बिछाई नहीं, लेकिन अब मेरा प्लान है बिछाने का। आपके लिए इन्वर्टर वाली मैट अच्छी है? हाँ नहीं, मेरे को थोड़ा हार्ड बेड पसंद है ना, तो इस वजह से मैंने कभी गद्दा यूज किया ही नहीं, घर पे भी यूज नहीं करता हूँ, कहीं भी यूज नहीं करता हूँ, तो मेरे को कैंपिंग थोड़ा इजी पड़ जाती है इस वजह से। तो भैया पूरा का पूरा मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, और चैनल को मतलब सब्सक्राइब, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, जैसा व्यू रहेगा, जैसा रिव्यू रहेगा ना आप लोगों का, उसके हिसाब से ही मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। और अगर अच्छे इसमें कमेंट आएंगे हम पक्का कैंपिंग करने जाएंगे, आपको हर चीज का प्रैक्टिकली दिखाएंगे, नेसेसरी कैंपिंग गियर्स के साथ में, नेसेसरी कैंपिंग इक्विपमेंट और हाउ टू मतलब कैसे करनी कैंपिंग, बेसिक्स ऑफ कैंपिंग का एक वीडियो लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो में अच्छा मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है तो बेसिक्स ऑफ कैंपिंग के साथ में बेसिक्स ऑफ कैंपिंग, नेसेसरी आइटम्स वगैरह सब चीजें मतलब इस तरह से, वो सबका एक ब्लॉग बनाएंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना और 10% डिस्काउंट के लिए विजिट करना है हल्द्वानी लाइफ नियर कार्डोदाम रेलवे स्टेशन, नियर कार्डोदाम रेलवे स्टेशन आपको आना है, कैनाल रोड पे, और सीके फिटनेस सर्च कर लेना, वहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, सीके फिटनेस के पास में ही है, सबसे बड़ी बात है बगल बगल में ही, अगल बगल में ही है, तो इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी सहूलियत हो गई है। और बाकी जितने भी अपने उत्तराखंड के भाई लोग देख रहे हैं या उत्तराखंड से बाहर भी देख रहे हैं, आपको एक अच्छी रेंज में और अच्छी कॉस्टिंग में अगर आपको ये सामान चाहिए तो आप अपने घर बैठे मंगा सकते हो। वेबसाइट का एड्रेस भी यही है, pagdandilife.com, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है, नंबर्स भी मैं मेंशन कर दूंगा व्हाट्सएप वाले आपके, ठीक है, कॉल करके परेशान ना करना, क्योंकि कई लोग कॉल करके परेशान करते हैं और बार बार पूछते हैं एक ही चीज को, है ना, तो इससे बेटर आप व्हाट्सएप कर दो, कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप में पूछ लो, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाएगा, या वेबसाइट पे जाके क्वेरी क्रिएट कर दो, वहां से मिल जाएगा। तो इतना ही है इस ब्लॉग के लिए, वैसे तो बहुत कुछ हो गया लेकिन बहुत कुछ रह भी गया, क्योंकि दुकान पूरी भरी हुई है, ठस ठस के भरी हुई है, और ये कह रहे हैं कि भी थोड़ा स्टॉक और आने वाला है, तो ठस के और बढ़ जाएगी। सेकंड पार्ट चाहिए, सेकंड पार्ट भी बना देंगे, आपको नई नई चीजें और दिखा देंगे, जो भी सामान अपडेट होगा, और आपको एक ब्लॉग चाहिए कैंपिंग बेसिक वाला, वो भी ले आएंगे। तो ब्लॉग को हैंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।